गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अगेन टुडे आई जस्ट एक्सप्लेन इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज देयर आर सम स्टोरीज व्हिच हैज बीन परफॉर्म एज अ ड्रामा ऑन द स्टेज एंड सम कैरेक्टर्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड सम स्टोरीज अबाउट अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज आगे कहानी मैं आप नेक्स्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो वहाँ तक बात होती है, मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि 55,000 की रॉबरीज हुई थी बैंक में लंदन में, और वो जो रॉबर था वो अपना एक ड्रेस बदल कर डिस्गाइज रूप में ही वॉज जस्ट आउट फ्रॉम द लंदन. अब फिर एक पर्दा उठता है क्योंकि दिस वॉज ए काइंड ऑफ ड्रामा. तो फिर ड्रामा के में क्या होता है कि पर्दा फिर उठता है, कर्टेन ऊपर की होती है, ऊपर की तरफ आता है और पर्दा उठता है तो उसमें दिखा रहा है कि एक राउंड टेबल है और एक कार्ड रूम है रिफॉर्म क्लब में. बाकी सिक्स फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हैं जैसे फिलिस फॉक और बाकी जितने फ्रेंड्स हैं सब मिलकर चेयर पर बैठे हुए हैं और सभी प्लेइंग कार्ड्स खेल रहे हैं आपस में. ठीक है, उसी प्लेइंग कार्ड्स खेलने के क्रम में आपस में बातें होती रहती है न्यूज़पेपर में, और वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या दुनिया में हम लोग क्या उसको ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी दुनिया का चक्कर काट सकते हैं, 80 डेज में हम लोग घूम सकते हैं दुनिया अराउंड द वर्ल्ड. तो इसी क्रम में दोस्तों के बीच में बात चलती रहती है. ये सारे दोस्त हैं मिस्टर स्टुअर्ट, सुलिवान, पलेटी, थॉमस क्लैंगन, गुथर, रॉल्फ, ये सारे फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं. उसी में एंड्रू स्टुअर्ट बोलता है चलो हम एक बेट करते हैं. बेट मीन्स क्या होता है, शर्त लगाना, बीईटी उसका हम बताएंगे उसका मीनिंग बाद में. बेट यानी वो शर्त लगाता है एंड्रू स्टुअर्ट, जो प्लेइंग कार्ड सभी खेलते रहते हैं चेयर पर टेबल पर रखा रहता है, और उसको फिलिस फॉग, मिस्टर फिलिस फॉग जो है कार्ड्स को अरेंज करते रहते हैं. उसी क्रम में बोलता है कि 2000 पाउंड्स का चलो इस पर शर्त लगाया जाए, जो अब चक्कर काट के आएगा उसको 2000 पाउंड्स उसको मिलेगा, अदरवाइज उसको देना पड़ेगा. तो इसी बीच में और जॉन सुलिवान भी उसी तरह की बात बोलता है. एंड्रे स्टुअर्ट का कहना है ठीक है 2000 पाउंड्स, लेकिन शर्त ये कि बीच में कोई अगर वो फंस नहीं जाए बंदा, जैसे कि हम जा रहे हैं यहाँ से हमको किसी जगह पर जाना और बीच में अगर हम जाम मिल गया तो हम कैसे समय पर पहुंचेंगे. तो शर्त ये कि वो सारी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा एंटी जो तुम्हारा सिचुएशन है जो ट्रेवल करने में दिक्कत हो रही है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज हो गया, आंधी हुई, तूफान आया, रास्ते में परेशानी, ये सारी चीज नहीं हुई तो उसको 80 डेज में आ जाना है. तो मिस्टर फिलिस फॉग का कहना है कि नहीं मैं 20,000 पाउंड्स का मैं शर्त लगाता हूँ. ठीक है, और वो चेक काट कर दे देता है फ्रेंड्स को और बोलता है कि क्या इस पर तैयार हो तुम लोग. तो उसके जितने फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं पांचों फ्रेंड्स, क्या इस बात को एक्सेप्ट किया जाए जो फिलिस फॉग जो बोल रहा है. बोला ठीक है 20,000 का शर्त लग गया पाउंड्स का. ठीक है, अब वो क्या करता है, बोलता है फिलिस फॉग का कहना होता है कि देखो आज है टुडे इज जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं बेटर्स के 2 अक्टूबर है. ठीक है, और हमको ड्यू डेट कब करना है, हमको पहुंचना कब है, तो सैटरडे 21 दिसंबर एट 8:45 PM. यानी ये शर्त लगी कि इस दिन को और इस समय तक मिस्टर फिलिस फॉग को पहुंच जाना है. कहां पहुंचना है, इसी कार्ड रूम में, रिफॉर्म क्लब के कार्ड रूम में. अगर ये इस टाइम पर पहुंच जाते हैं तो 20,000 पॉइंट्स का जो शर्त लगा उनको मिल जाएगा, अदरवाइज वो हार जाएंगे. ठीक है, जब शर्त शुरू हो जाती है फिर उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है अब मैं निकलता हूं. वो अपने नौकर के साथ यानी फिलिस फॉग अपने जीप पासपोर्ट टाउन के साथ निकल पड़ता है
पूरे वर्ल्ड का चक्कर काटने के लिए 80 डेज उसके लिए टारगेट होता है, ठीक है। और उस क्रम में वो कहाँ कहाँ जाता है, डोवर जाता है, पेरिस जाता है, कभी ट्रेन से गया, कभी स्टीमर से गया, वो अलग अलग मूवमेंट दिया हुआ बुक्स में, आप देख लेंगे उसमें। उसी जाने के क्रम में वो जब क्रॉस करता रहता है तो उसके पीछे में उसको नहीं पता रहता है कि एक डिटेक्टिव भी उसके पीछे लगा हुआ, डिटेक्टिव जो था वो लगा हुआ था जिसका नाम था मिस्टर फिक्स। वो क्यों लगा हुआ था, क्योंकि मैंने जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि 55,000 पाउंड्स का जो रॉबरी हुआ था उसके सिलसिले में मिस्टर फिक्स को डेपुट किया गया था कि विल आइडेंटिफाई हु इज द कल्प्रिट बिहाइंड द दिस वर रॉबरीज। दैट्स व्हाई मिस्टर फिक्स वाज सीक्रेटली फॉलोइंग मिस्टर फिलिस्पॉक के पीछे वो पड़ा हुआ। नहीं, अब इसको अरेस्ट भी करेंगे, कहाँ करेंगे, हम वहां करेंगे, उस जगह पर करेंगे जहां पर करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए। तो मिस्टर फिक्स ने किया था, डिटरमाइन किया था कि वो जैसे ही आएगा कहाँ ब्रिटेन, जैसे इंग्लैंड पहुंचेगा लंदन, हम उसको वहीं अरेस्ट करेंगे, ही विल बी अरेस्टेड। ओके, सो ही वाज फॉलोइंग। इस बात से फिलिस फॉक को जानकारी नहीं थी, ठीक है। उसी क्रम में एक अलाउदा एक कैरेक्टर और है, एक लेडीज से, हाँ, वो उसको डेथ से बचाता है। ये बहुत संकट में रहती है ये लेडीज, ठीक है, उसको वो बहुत ही मतलब उसको डेथ से वो उसको सेव बचाता है, कौन, मिस्टर फिलिस फॉग। और उस क्रम में अलाउदा को जब बचाता है, उसके बाद उसकी मैरी हो जाती है, उसके साथ शादी हो जाती है फिलिस फॉग की। और वो करके जब वो वापस जाने लगता है, और जैसे ही वो लंदन पहुंचता है, मिस्टर फिक्स उसको अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करके जेल ले जाते हैं। अब जेल ले जाने का फिलिस फॉग को देखता है कि मैं तो बस समय पर आ ही रहा था, ये जो है अब हमको डिटेक्टिव जो है हमको तो अरेस्ट कर लिया, अब वो एक्सप्लेनेशन देने में तो समय लगेगा ही। तब तक वो जो उसका जो टारगेट था कि सैटरडे को 21 दिसंबर 8:45 को पहुंच जाना है, ठीक है, तो उसको लगा कि अब वो डेट यानी वो जो शर्त लगाया था 20,000 पाउंड का वो हार जाएगा। और इस क्रम में वो बोलता है कि अब हमें नहीं लग रहा है कि मैं जीत पाऊंगा, ठीक है। और उस क्रम में उसको बहुत ही शॉकिंग लगता है, उस शॉकिंग के क्रम में वो सोचता है कि नहीं अब, लेकिन जब अलाउदा बोलती है कि नहीं, वो पूछता है आज कौन सा दिन है, सैटरडे, उसको बिलीव नहीं होता, यानी उसको एक दिन और एक्स्ट्रा मिला हुआ रहता है। वो कैसे होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि मिस्टर फिलिस फॉग को ये पता लग रहा था कि अब चूंकि वो अरेस्ट हो चुका है, उसको लगा कि अब ये 20,000 पाउंड का शर्त जीत नहीं पाएगा, क्योंकि वो डिले हो जाएगा, वो जेल चला आ गया हुआ है, अब उसको बताने में समझाने में समय निकल जाएगा। लेकिन अलावा बताती कि नहीं, आपके पास एक दिन और भी बचा हुआ है, दैट इज वन डे इज रिमेनिंग मोर। सो दैट्स वाई इन दैट वेरी मोमेंट व्हाट हैपेंड, वो क्या करता है वो बताती है, और आगे कैसे उसका एक दिन बचता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। टिल देन वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स।